नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल SP जीवन मंत्रा में। दोस्तों, आप लोगों ने हमसे कई बार पूछा कि सर आप जो बताते हैं हाई प्रोटीन सलाद, वो आप हमें एक दिन दिखाइए जरूर। तो दोस्तों, मैं अब आपको दिखा देता हूं वो हाई प्रोटीन सलाद। तो जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा हाई प्रोटीन सलाद। तो दोस्तों, आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है हरी मूंग, ये है सोयाबीन और ये है चने, ये हैं चने। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि मैं सुबह जो है प्रोटीन सलाद में क्या लेता हूँ, कैसा रहता है मेरा प्रोटीन सलाद। तो दोस्तों, एक राज की बात आपको बताता हूँ। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके होंठ गुलाबी रहें, आपकी स्किन भी गुलाबी रहे और खूबसूरत दिखना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, गुलाबी गुलाबी होंठ और गाल दिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे प्रयोग करके देखिए, विद इन 1 वीक आप मेरे से कमेंट में आके खुद कहेंगे कि हाँ सर, मेरे होंठ भी गुलाबी हैं भी और स्किन भी जो है वो गुलाबी दिख रही है। दोस्तों, ये टोमेटो है, इसको 4 भाग कर लेना है बीच से, या आप छोटे छोटे जैसे जितना साइज उसका कितना बड़ा है ये मायने करता है। और उसमें हल्का सा नमक, काला नमक मिलेगा बहुत फायदा करेगा, बहुत कारगर रहेगा। यदि आपको काला नमक मिल जाता है तो उसमें थोड़ा सा काला नमक डालकर और इसके आप सुबह सुबह नाश्ते के पहले सुबह सुबह आप इसको ये इस प्रोटीन सलाद के साथ भी ले सकते हैं। प्रोटीन सलाद के पहले लेंगे तो और फायदा देगा आपको। सुबह सुबह आप इसे ले लें और उसके बाद विद इन 1 वीक आप देखिएगा कि आपके होंठ भी गुलाबी हो रहे हैं, आपका स्किन भी गुलाबी है और आप दोस्तों बहुत कारगर उपाय है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप वर्कआउट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए वर्कआउट बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, फिट रहने का कोई शॉर्टकट नहीं है। दोस्तों, कामयाबी का एक ही मंत्र है, दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी करने से ही होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फिट रहने में 70% रोल डाइटिंग निभाती है और 30% रोल वर्कआउट यानी एक्सरसाइज। दोस्तों, यदि आप आज बताए हुए इन नियमों का पालन करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा फिट रहने में अहम भूमिका खुद भी दे सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी खुद संवार सकते हैं और आपका अनुसरण कर दूसरे भी इसका फ़ायदा पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज आपको ये नियम बताता हूँ, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों, रात के 8 बजे से पहले डिनर, सुबह 8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता और रात के 11 बजे से पहले सो जाना। और दोस्तों, सुबह 6 बजे उठ जाना फिट रहने में अहम भूमिका अदा करते हैं। दोस्तों, जो 100% भूमिका अदा करता है वह है आपका अनुशासन। बिना अनुशासन के दोस्तों फिट आप नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, आप फिट रहने का जो भी रास्ता पकड़ें लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हो सकता है कि आप फिट रहने के लिए कई डाइट चार्ट अपनाकर आप छोड़ चुके हों, लेकिन आज आपको बता दूं कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति बराबर समर्पित रहना होगा, तभी आप फिट और हेल्दी रह पाएंगे। दोस्तों, आज आप कुछ नियम नोट कर लें जिससे आप भी हमें हमारे ईमेल पर अच्छी अच्छी तस्वीरें फिट रहने की भेज सकें। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं उन तस्वीरों को अपने वीडियो में ज़रूर शामिल करूंगा। तो दोस्तों, नियम नोट कर लें। दोस्तों, पहला नियम ये है कि हमेशा फिट रहने के लिए आपको एक साथ में ज़्यादा खाना नहीं खाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक साथ में अधिक खाना नहीं खाना, 1 से 2 चपाती और हल्का चावल खाना है। दोस्तों, भोजन के बीच में लंबा अंतराल ना दें, अधिक से अधिक दोस्तों 3 घंटे का अंतराल आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में आप 3 घंटे के अंतराल के बाद आप भुने हुए चने, बिस्कुट, फल और मूंगफली वगैरह खा सकते हैं। दोस्तों, हो सके तो रात का खाना 8 बजे के
तो दोस्तों हो सके तो रात के 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं, रात का खाना 8 बजे के पहले ही खा लें दोस्तों। और दोस्तों खाना खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का अंतराल जरूर रखें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर जा रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं दोस्तों। फिट रहने के लिए आप खाना खाने के 2 घंटे बाद ही बिस्तर पर जाएं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप फिट रहने का ये मंत्र, ये अचूक मंत्र, ये नियम हमेशा बनाकर रखेंगे दोस्तों। फिट रहने के लिए वॉकिंग कभी नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, वॉक आपको करते रहना है दोस्तों। ये सारे नियम आपको फिट रहने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप इन नियमों का पालन करेंगे दोस्तों। एक बात आप हमेशा जान लीजिए, फिट रहने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत तो करनी ही होगी दोस्तों। आशा करता हूँ कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।